बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो है चिकन कोल्ड सैंडविचेस की, जो बहुत मज़े के बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। उनके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लें। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। हमें चाहिए है ब्रेड, ये मैंने सिंपल मिल्क ब्रेड ले ली है। 1 कप मुझे श्रेडेड चिकन चाहिए, 1/2 कप मुझे मायनीज चाहिए। आप क्वांटिटी अपनी चीज़ों के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप कैरेट्स, ग्रीन अनियंस, 1.5 कप मैंने लिए है काली मिर्च, नमक हसब ज़रूरत, जितना आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। एक बाउल लेना है, उसमें हम डालेंगे अपना चिकन। इसमें डालेंगे हम गाजर, इसको मैंने भरी पर काट लिया था, कद्दूकस नहीं करना। इसमें हम अपना 1/2 कप मेयोनीज डाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट देख के ऐड कीजिएगा, क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ये हमने काली मिर्च ऐड कर दी है। अब हम एंड पे ऐड कर देंगे अपने ग्रीन अनियंस। इसमें आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मायनीज कम है और सब्जियां ज़्यादा हो रही हैं, स्टिकी नहीं हो रही, तो आप इसमें 1 to 2 tablespoons मायनीज और ऐड कर सकते हैं। ये सैंडविचेस बहुत मज़े के लगते हैं। टी टाइम में आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर चीज़ों से ये बन जाता है। तो ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं वो मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि सैंडविच में वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हम ड्राई करके इसको के क्रम्स बना लेंगे, जो किसी और चीज़ में हम यूज़ कर लेंगे। इससे बआसानी आप घर में ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसे ही बनते हैं। सारे ब्रेड स्लाइसेस के हमने कॉर्नर्स अलग कर लिए हैं। इनको अब हम रख देंगे और ये एक दिन में खुद ही ड्राई हो जाएंगे, और फिर आप इसको चॉपर में डाल के इसके बिल्कुल बारीक इसको कर लेंगे। अब हमने ब्रेड में अपना मिक्सचर लगाते जाना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ताकि हर कॉर्नर में मिक्सचर अच्छे से लग जाए। इसी तरह से आपने अपने सारे सैंडविचेस तैयार कर लेने हैं। इस मिक्सचर से, इस क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा सैंडविचेस बन जाते हैं कि 4 to 5 persons आराम से इसको खा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। अब आप इनको बीच में से कट कर लें। मुझे टी टाइम के लिए बनाने थे, साथ और भी बहुत डिशेस होती हैं, तो मैंने इनके 4 slices कर लिए थे। इनको थोड़ा सा छोटा कर लिया था। आप चाहें तो इस तरह इतने बड़ा साइज भी रख सकते हैं, चाहें तो इससे थोड़ा सा छोटा भी साइज कर सकते हैं।
मैंने असल में चिकन कोल्ड बाइट्स बनाए थे, आप भी चाहें तो आप इतना छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार सैंडविचेस तैयार है। मैंने इसको ऑलिव्स और मायनीज से डेकोरेट कर लिया है, आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट करें। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरा पेज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।